सो हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल मेकअप क्वीन पूनम। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल आई लाइनर लेकर आई हूँ, जो पर्सनली मेरे को बहुत पसंद है और आई एम श्योर आप लोगों के भी पर्सनल फेवरेट होंगे। वो है ये आई लाइनर्स। सो गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल होने के साथ साथ बहुत ही अच्छे क्वालिटी के और बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। सो गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं मोस्ट फेवरेट आई लाइनर की, जो है लैक्मे का इंस्टा आई लाइनर। सो गाइज, आप आई एम श्योर आप सभी ने एक बार लाइफ में ये आई लाइनर जरूर यूज़ किया होगा, बिकॉज ये इतना ज़्यादा पॉपुलर है और इतना ज़्यादा फेमस आई लाइनर है। तो ये वाटर रेजिस्टेंट है, बट फिर भी गाइज ये काम बहुत अच्छा करता है। सो अभी मैं आपको इसका ब्रश दिखा देती हूँ। देखिए गाइज, इसका ब्रश कितना अच्छा प्रिसाइज ब्रश है, और इसका मैं हैंड स्वॉच आपको दिखाती हूँ। ये देखो कितना अच्छा इसका पिगमेंटेशन है गाइस, बहुत ही अच्छी पिगमेंटेशन है इसकी और बहुत अच्छा लगता है मुझे गाइस ये पर्सनली। सेकेंड आईलाइनर है ये इनसाइड का आईलाइनर। सो गाइस, इसका भी ब्रश मैं आपको दिखाऊंगी अभी। सो ये गाइस, ये मैंने नायका से आई थिंक ये पर्पल या नायका से ये परचेज किया था। सो गाइस, इसका ब्रश देखिए आप, ये भी बहुत ही ज़्यादा थिन ब्रश है इसका और आईलाइनर इससे बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं आपको इसका स्वच्छ दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, ये है इनसाइट वाले का और ये है लैक्मे वाले का। सो गाइस, डिफरेंस देखिए, इसमें हल्की सी शीन है, बस एक यही डिफरेंस है इसमें कि इसमें हल्की सी शीन प्रोवाइड की गई है और ये मैट लुक में है। सो गाइस, जो ये आईलाइनर है इनसाइट का, ये भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है और ये क्लेम करता है कि वाटरप्रूफ है, बट ये अपने क्लेम में 100% खरा उतरता है बिकॉज ये वाटरप्रूफ है और ये इजीली नहीं निकलता है इससे। ये भी बहुत अच्छा आईलाइनर है, लैक्मे का निकल जाता है वॉश करने के साथ, बट इनसाइड का नहीं। इसमें हल्की सी शीन दी गई है, डिफरेंस देख सकते हैं आप, ये मैट है और ये थोड़ा सा हल्की सी शीन लुक में है। और गाइस, थर्ड मेरा मोस्ट फेवरेट आईलाइनर है, वो है कलर एसेंस का आईलाइनर। सो गाइस, ये आईलाइनर, इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह से दिखती है, देखिए गाइस। गाइस, अगर आपने इस आईलाइनर को परचेज कर लिया ना, सो गाइस आप सारे आईलाइनर भूल जाओगे। ये इतना अच्छा, इतना अमेजिंग आईलाइनर है और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। ये 160 या 170 अराउंड आता है और मैं आपको इसका स्वॉच दिखाऊंगी अब जाके। सो गाइस, ये देखिए कि ये कितना ज़्यादा हेल पिगमेंटेड है। ये कलर एसेंस का है और ये इनसाइड का है और ये लैक्मे का है। सो गाइस देखिए, ये गाइस, ये इतना अच्छा आईलाइनर है, अगर आप इसे लगा के कभी आईज ऐसे रब भी कर दोगे तो ये गाइस, ये बिल्कुल भी ये स्मच नहीं होगा और ये इजीली रिमूव भी हो जाता है। मतलब तो ऐसा नहीं कि एकदम फिंगर लगाई और रिमूव हो गया, जब ज़्यादा ही आप इसे प्रेशर के साथ रिमूव करोगे तो गाइस ये बिल्कुल भी अंडर आइज़ या अपर आइज़ में बिल्कुल भी ये ब्लैकनेस नहीं छोड़ता है, ये एकदम रिमूव हो जाता है। लगता ही नहीं कि जैसे आपने आईलाइनर लगाया हो, ये बिल्कुल भी आपकी आइज़ को ये या कॉर्नर में या अंडर आइज़ या अपर आइज़ या आईलिड के ऊपर ये बिल्कुल भी ब्लैक नहीं करेगा आपकी आँखों को। आप चाहे से फेस भी धोलोगे तो ये बहुत ईजीली रिमूव हो जाता है। मुझे इसकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि बिल्कुल भी ये कुछ भी मार्क्स नहीं छोड़ता है, ये बहुत अच्छे से रिमूव हो जाता है। बल्कि लैक्मे वाला ये थोड़ा अच्छे से रिमूव हो जाता है, बट थोड़ा थोड़ा ये अगर इसे आप फिंगर से स्मच करोगे तो ये थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है अराउंड द कॉर्नर। बट ये गाइस, ये कलर एसेंस का जो है ये आईलाइनर, अगर आपसे गलती से आपकी फिंगर आइज़ के ऊपर चली भी जाती है और रब भी करते, तभी भी ये आपकी आइज़ को बिल्कुल ब्लैकनेस ब्लैक नहीं करेगा और बहुत अच्छे से ये रिमूव होता है। सो गाइस, ये तीनों ही मेरे फेवरेट आईलाइनर हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के आईलाइनर हैं और ये पार्टी वेयर आईलाइनर हैं। आप चाहे तो डेली लाइफ में लगा सकते हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं। सो ये आपको पता ही है, लैक्मे का तो बहुत ही सस्ता है, ये 150 का आता है या 140 आई थिंक। इनसाइड का भी इसी रेंज का है गाइस, 150 और 160, और ये भी इसी रेंज का है 150-160 का। बट गाइस, इन तीनों में से अगर आप बात करोगे तो मेरा पर्सनल फेवरेट ये है, ये कलर एसेंस का आईलाइनर, बहुत पसंद है मुझे गाइस ये आईलाइनर। और आप डेफिनेटली इन्हें परचेज कर सकते हैं, इनकी पिगमेंटेशन और क्वालिटी, स्टेइंग पावर बहुत कमाल की है गाइस। सो
आई होप आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा। सो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।